हेलो फ्रेंड्स मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ ये देखिए मैं आज आपको छः महीने से लेकर के डेढ़ साल तक के बच्चे के लिए कैप बनाने जा रही हूँ इसमें मैंने ट्वेल्व फंदे डाले हैं ट्वेल्व फंदे डालने के बाद मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ ये देखिए इसमें मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ सी बनाऊँगी ये हमारी फ़र्स्ट रो हो गई है ये सेकेंड रो है इस फंदे को मैं बनाऊंगी नहीं इसको मैं उल्टा स्लिप करूंगी, ऐसे धागा दूसरी साइड करके इस रो को सीधा बनाऊंगी। इस पूरी रो को सीधा बना करके लास्ट वाला फंदा अपनी साइड धागा करके उल्टा बनाऊंगी ताकि ये साइड वाला फंदा सीधा सीधा आना चाहिए हमारी चेन बन के आनी चाहिए फिर से मेरी थर्ड रो हो गई है राइट साइड है ऐसे ही मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाती जाऊंगी जब मेरी ट्वेल्व सिलाइयाँ हो जाएगी ये देखिए ये मेरी थर्ड रो हो गई है ये देखिए थर्ड रो के बाद मेरी एक ये वाली लाइन बन के आ गई है ऐसी लाइनें जब मेरी छः हो जाएंगी ट्वेल्व सिलाइयाँ हो जाएंगी छः सिलाइयाँ मेरी इधर से छः इधर से तो ये मेरी ट्वेल्व सिलाइयों के बाद ऐसी छः लाइनें बन के आ जाएंगी जब छह लाइनें बन के आ जाएंगी उसके बाद में आगे बताती हूँ क्या करना है ये खास ध्यान रखना है जब हमारी उल्टी सिलाई होगी तो हमने इसको ऐसे उल्टा स्लिप करके बाकी पूरी सिलाई सीधी बनानी है हर सिलाई में उल्टी सिलाई में ऐसे करना पड़ेगा हमें सीधी तो सीधी आएगी पूरी ये ध्यान रखना है खास करके आगे जा करके इस चेन में से हमने फंदे उठाने हैं इसलिए हमें चेन ज़रूरी बनानी है ये लास्ट वाला फंदा इसको धागा अपनी साइड करके ऐसे बनाएंगे ये सीधा सीधा आना चाहिए साइड में दोनों साइड से चेन बन के आनी चाहिए ये ध्यान रखना है आपने ये देखिए मेरी छः लाइनें बन के आ गई हैं एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि ये मेरी टोटल बारह सिलाइयाँ हो गई हैं छः लाइनें इधर हो गई हैं एक दो तीन चार पाँच छ और छः इधर ये बारह सिलाइयाँ मेरी हो गई हैं अब मैं इसमें फंदे बढ़ाने स्टार्ट करूंगी। पहला फंदा मैं स्लिप करूंगी। अब यहाँ से फंदा उठाऊंगी। इस सिलाई में ऐसे डाल लूंगी इसको सीधा बनाऊंगी। अब पूरी सिलाई को सीधा बनाऊंगी। रोंग साइड से इसको स्लिप करूंगी धागा दूसरी साइड करके फिर मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी पूरी धागा अपनी साइड करके लास्ट फंदे को उल्टा बनाऊंगी फिर से हमारी राइट साइड आ गई है पहला फंदा स्लिप करूँगी यहाँ से फंदा उठाऊँगी सिलाई में डाल करके इसको सीधा बनाऊँगी अब पूरी रो को सीधा सीधा बना करके कंप्लीट करूँगी रोंग साइड है पहला फंदा ऐसे स्लिप करूंगी रोंग साइड को धागा दूसरी साइड करके पूरी रो को सीधा सीधा बनाऊंगी धागा अपनी साइड लास्ट वाला फंदा उल्टा ये फिर से सीधी साइड है हर सीधी साइड को जब भी हमारी सीधी साइड आएगी तो हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ रहा है इसको सीधा बनाएंगे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे ये हमारे तीन फंदे बढ़ गए हैं रोंग साइड से फिर से ऐसे ही करेंगे हर बार उल्टा फंदा स्लिप करने के बाद पूरी रो को सीधा सीधा बना करके कंप्लीट करेंगे लास्ट वाला फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे धागा अपनी साइड करेंगे लास्ट वाला फंदा उल्टा फिर से हमारी सीधी साइड है पहला फंदा स्लिप करेंगे यहाँ से फंदा उठा करके इस सिलाई में डालेंगे इसको सीधा बनाएंगे, पूरी रो को सीधा सीधा बना करके कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे हमारे चार फंदे बढ़ गए हैं जब जी हमारे ट्वेल्व फंदे हो जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते तो हम इसको बढ़ाना बंद कर देंगे यहाँ पे हमने नीचे ट्वेल्व फंदे डाले हैं ट्वेल्व फंदे हम और बढ़ाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे ट्वेंटी फ़ोर फंदे हो जाएंगे ट्वेल्व जे और ट्वेल्व हमने बढ़ाने हैं जब हमारे बढ़ते बढ़ते ट्वेल्व फंदे बढ़ जाएंगे ये टोटल ट्वेंटी फ़ोर फंदे हो जाएंगे तो उसके बाद में आगे, आगे आपको बताती हूँ क्या करना है ऐसे ही हर सीधी सिलाई को आपने एक फंदा बढ़ाते जाना है ये देखिए हमारे ट्वेंटी फ़ोर फंदे हो गए हैं बढ़ कर के ट्वेल्व फंदे हमारे पहले से थे ट्वेल्व फंदे हमने बढ़ा लिए हैं ये ट्वेंटी फ़ोर फंदे टोटल हमारे हो गए हैं अब हम दो सिलाइयाँ और डालेंगे सीधी सीधी सिंपल उसमें बढ़ाएंगे नहीं हम फंदे ये देखिए ऐसे ये हमारे बढ़कर ऐसे आ जाएंगे अब हम इसमें सीधी सीधी दो सिलाइयाँ डालेंगे उसमें बढ़ाएंगे नहीं फंदे उसके बाद हमने फंदे घटाने स्टार्ट करने हैं ये देखिए है, यहाँ से अब हम घटाना स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी फोर फंदे बढ़ाने के बाद हमने सीधी सीधी दो सिलाइयाँ बना ली हैं सिंपल उसमें हमने घटाया बढ़ाया कुछ नहीं है पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहाँ से अब हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे ये हमारा एक फंदा घट गया ऐसे ही हम हर सिलाई में जो भी सीधी सिलाई हमारी आएगी उसमें हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे जैसे हमने बढ़ाया था एक एक फंदा ऐसे ही हम घटाते जाएंगे अब फिर से जब हमारे ट्वेल्व फंदे रह जाएंगे तो हम घटाना बंद कर देंगे उसके बाद आगे हम सिंपल बनाएंगे ये सीधी सिलाई हमारी द्वारा आ गई है घूम करके ये देखिए अब पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे बाकी सारी सिलाई सीधी बनाएंगे ये दो फंदे हमारे घट गए हैं हर बार सीधी सिलाई में हम ऐसे ही एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब हमारे ट्वेल्व फंदे रह जाएंगे तो हम घटाना बंद कर देंगे तो जे मैं फंदे घटाने के बाद आगे, आगे आपको बताती हूँ क्या करना है ट्वेल्व फंदे बच जाएंगे तो आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आप ऐसे ही घटाते जाइए जब तक आपके ट्वेल्व फंदे ना रह जाएं। ये देखिए मैंने फंदे घटा लिए हैं घटा करके के फंदे मेरे फिर से ट्वेल्व रह गए हैं यहाँ पे हमने सिक्स लाइनें बनाई थी यहाँ तक इतना ट्वेल्व सिलाइयाँ हो गई हैं ये सिक्स लाइनें हो गई हैं एक दो तीन चार पाँच छ छः लाइनें तब बनती हैं जब हमारी बारह सिलाइयाँ डलती हैं ये हमारी बारह सिलाइयाँ हो गई हैं छः लाइनें हो गई हैं यहाँ पे अब हम इसको घटा करके कंप्लीट हमने कर लिया है अब हम इसको ट्वेल्व लाइनें बनाएंगे यानी कि बारह लाइनें बनाएंगे ऐसी छः लाइनें बनाई हैं ऐसी हम यहाँ पर बारह लाइनें बनाएंगे यानी कि चौबीस लाइयाँ बनाएंगे ट्वेंटी फ़ोर रोज़ यहाँ पे ट्वेंटी फ़ोर रो बनाने के बाद ऐसी हमारी ऐसी लाइनें बन के आ जाएंगी हमारी बारह जब हमारी बारह लाइनें बन जाएंगी तो हम फिर से फंदे बढ़ाने स्टार्ट करेंगे ऐसे ही फिर से हम ट्वेंटी फ़ोर फंदे कर लेंगे ट्वेल्व हमारे पास पहले से होंगे और ट्वेल्व हम फिर से बढ़ाएंगे जब हमारी ये ये वाली ट्वेल्व लाइनें हो जाएंगी उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है पहले इसकी मैं ट्वेंटी फ़ोर रोज़ डाल लेती हूँ ट्वेंटी फ़ोर रोड डालने के बाद हमारी ऐसे वाली लाइनें ट्वेल्व हो जाएंगी ये देखिए फ़ंदे घटाने के बाद मैंने यहाँ पे ट्वेल्व लाइनें बना ली हैं यानी कि ट्वेंटी फ़ोर मैंने रोज़ डाल ली हैं चौबीस सिलाइयाँ और ये वाली बारह लाइनें ऐसी बन के आ गई हैं हमारी अब हम फिर से ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे जैसे पहले बढ़ाए थे ट्वेल्व फ़ंदे बढ़ाएंगे यहाँ पे बारह फ़ंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे चौबीस फंदे हो जाएंगे जैसे यहाँ पे हो गए थे चौबीस फंदे ऐसे ही सेम अब हम फंदे बढ़ाएंगे उसके बाद फिर से ऐसे ही फंदे घटाएंगे जैसे हमने घटाए हैं जब दोबारा फिर से बारह फंदे रह जाएंगे तो फिर से हमने ऐसी वाली छ लाइनें बनानी हैं अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे फिर फंदे घटाएंगे इसकी तरह और फिर उसके बाद छह लाइनें ऐसी बनाएंगे उसके बाद फिर ये सारा बनाने के बाद मैं आगे, आगे, आगे आपको बताऊँगी क्या करना है देखिए यहाँ पे फंदे घटाने के बाद मैंने ट्वेल्व फंदे रखे हैं ट्वेल्व फंदों की अब मैंने यहाँ पे ट्वेल्व लाइनें बना ली हैं ट्वेंटी फ़ोर सिलाइयाँ डाल ली हैं फिर से मैंने फंदे बढ़ाए ट्वेंटी फ़ोर फंदे हमारे बन गए यहाँ पे ट्वेल्व फंदे हमारे पहले थे ट्वेल्व हमने बढ़ाए हैं ट्वेंटी फ़ोर बन गए और फिर वही वाले ट्वेल्व तो फंदे हमने घटा दिए यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे हमारे ट्वेल्व फंदे बच गए उसकी फिर से हमने सिक्स लाइनें बना दी ट्वेल्व रोज़ बारह सिलाइयाँ लाइनें यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वैसे ही सेम बना दी हमने अब हम इसको बंद कर देंगे हमारा वा नीचे वाला पार्ट बनके के तैयार हो गया है अब इसको हम बंद करेंगे ये देखिए एक फंदा बनाते जाएंगे दूसरा उसके ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे फंदे को ना ज़्यादा लूज़ रखेंगे और ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे नॉर्मल रखेंगे ऐसे ही इसको हम घटाते जाएंगे ये देखिए इसको हम बंद नहीं करेंगे यहाँ से ऐसे ही रखेंगे इस फंदे को ये देखिए ये हमारी पूरी पट्टी बन के तैयार हो गई है अब देखिए यहाँ से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे जितनी भी ये चेन्स आई हैं इस एक एक चेन को सबको हमने उठाते जाना है ऐसे हर चेन में से हम ऐसे फंदा उठाएंगे जितनी हमारी चेन है ये ये देखिए ऐसे हर एक चेन में से हम फंदा उठाते जाएंगे यहाँ पे मैं अब सेकंड कलर लगाऊंगी टू कलर की मेरी आ, स्वेटर है और उस स्वेटर के साथ वाली मैं कैप बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अब रेड कलर लगाने जा रही हूँ आप चाहें तो सिंगल कलर में बना सकते हो ये देखिए यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगा रही हूँ सेकंड कलर के साथ मैं हर एक चेन में से एक एक फंदा उठाते जाऊँगी ऐसे चाहे आप सिलाई में सिलाई के साथ उठा लो फंदे चाहे क्रोशी के साथ उठा लो कैसे भी आप उठा सकते हो अगर सिलाई के साथ आपको मुश्किल होती है वैसे तो बड़े इजी ढंग से उठ रहे हैं फंदे ये देखिए ऐसे बन रहे हैं आसानी से अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो क्रोशी से भी उठा सकते हो ऐसे हर एक चेन में से आप उठाते जाओगे ऐसे में हर एक चेन में से फंदे उठाते जाऊंगी ऐसे पूरी चेन को मैं उठाते उठाते फंदे इतने मैंने उठा लिए हैं अब पूरी चेन को मैं ऐसे ही फंदे उठाने के बाद आपको दिखाती हूँ पूरे फंदे उठा लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है ये देखिए पूरे फंदे उठा के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं ये हमारे सेवेंटी फाइव फंदे हुए हैं उठाने के बाद अब देखिए इसकी हम लेंथ देखेंगे दो इंच लेंथ तो हमारी ये है डेढ़ इंच हम और बनाएंगे ऊपर ये देखिए इसको डेढ़ इंच और बनाएंगे इसमें चाहे आप सिंपल बना लो सीधी उल्टी सिलाइयाँ चाहे आप कोई डिज़ाइन डाल लो मैं यहाँ पे टू कलर का डिज़ाइन डालूँगी क्रीम और रेड उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको बंद करना है इतना बना लेंगे इसमें गटाएँ बढ़ाएँगे कुछ नहीं इसको सिंपल ही बनाएंगे ये देखिए हमारी डेढ़ इंच लेंथ बन के तैयार हो गई है मैंने इसमें छोटा छोटा डिज़ाइन डाल रखा है क्योंकि ये मैंने बच्चे के सेट के साथ की बनाई है कैप इसके साथ की मैंने स्वेटर भी बना रखी है इसलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है ये वाला डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी स्वेटर में डाल रखा है इसलिए मैंने कैप में भी यही डिज़ाइन डाला है अगर आप ये स्वेटर बनाना चाहते हो तो इसका मैंने लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जा देख सकते हो अगर ये डिज़ाइन देखना चाहते हो इस डिज़ाइन तो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्ष में दे रखा है वो आप देख सकते हो तो अब हमारी ये वाली लेंथ इसकी जितनी हमने बनानी है उतनी बन गई है मैंने ये बनाई है छः महीने से लेकर के डेढ़ साल तक के बच्चे की कैप बनाई है स्वेटर भी मैंने इसी साइज़ की बनाई है तो आप इससे बड़ी बनाना चाहते हो तो इससे फंदे ज़्यादा कर सकते हो वो मैंने पहले ही बताया था जब मैंने स्टार्ट की थी ये कैप तो उसकी लेंथ भी उसके हिसाब से बढ़नी है फिर मैंने इतनी बनाई है तो मैं इतनी ही रखूँगी अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको हम घटाना शुरू करेंगे यहाँ से कैप को यहाँ तक हमने सीधी बनाई है सिंपल सीधी उल्टी सिलाइयाँ बना लो चाहे कोई डिज़ाइन डाल लो चाहे टू कलर की बना लो चाहे ए, सिंगल कलर की बना लो ये आपकी मर्जी है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे ये देखिए ये टोटल हमारे सेवनटी फाइव हैं अब मैं इसको पूरे रेड कलर से बनाऊंगी क्रीम कलर इसमें नहीं यूज़ करूंगी आगे में एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे मैंने बना लिए अब यहाँ से मैं दो फंदों का एक फंदा बनाऊंगी एक बार फिर से इस फंदे को ऐसे पलट लूँगी बैक साइड से फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाऊँगी एक पार्टीशन हो गया हमारा ये क्योंकि ये साइड वाला है आधा पार्टीशन हुआ यहाँ पे हमारा आधा पार्ट हमारा दूसरी साइड बनेगा इसका बीच में हम इलेवन फंदे बनाएंगे अब सीधे ग्यारह फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये बीच में हमारे ग्यारह फंदे हो गए हैं अब फिर से मैं वैसे ही दो फंदों का एक फंदा बनाऊंगी, जैसे मैंने पहले बना के आपको बताया है यहाँ पे ऊपर वाली साइड से अब इस फंदे को थोड़ा ऐसे पलट लूँगी अब नीचे वाली साइड से ऐसे पीछे वाली साइड से दो का एक फिर से ग्यारह फंदे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह अब फिर से ऊपर वाली साइड से आगे वाली साइड से दो का एक बनाऊंगी इस फंदे को ऐसे पलट लूँगी अब बैक साइड से दो का एक बनाऊंगी फिर से ग्यारह फंदे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ से फिर से फ्रंट वाली साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाऊंगी इस फंदे को ऐसे पलट लूँगी और बैक लूप से दो का एक बनाऊंगी अब फिर से ग्यारह फंदे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह फिर से ऐसे करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रंट साइड से अब इस फंदे को पलट लेंगे बैक साइड से दो का एक बनाएंगे अब हमारे लास्ट में बचे हैं पांच फंदे इधर हमारे छः फंदे थे और इधर पांच फंदे हैं इसकी कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगर एक फंदा बढ़ गया तो कोई नहीं साइड में है एक दो तीन चार पाँच ये देखिए ये हमारी पूरी कैप की फंदे डिवाइड हो गए हैं पूरी कैप के फंदे डिवाइड हो गए हैं अब ये हमारी रोंग साइड है रोंग साइड से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर देते हैं ये देखिए मेरी उल्टी रो बन के कंप्लीट हो गई है अब फिर से मैं सीधी रो पे आ गई हूँ पहले मैंने छह फंदे बनाए थे यहाँ पे अब पांच बनाऊंगी एक दो तीन चार पांच अब फिर से मैं ऐसे ही करूँगी जैसे पहले दो का एक बनाया था फ्रंट साइड से इस फंदे को पलट लूँगी फिर बैक साइड से दो का एक बना दिया ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे ग्यारह फंदे बनाए थे एक इस साइड से घट गया और एक इस साइड से अब हमारे नौ फंदे रह जाएंगे बीच में एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ ये नौ नौ फंदे हमारे बन गए हैं बीच में अब यहाँ पे फिर से मैं दो का एक करूँगी फ्रंट साइड से इस फंदे को ऐसे पलट लूँगी इसको बैक साइड से दो का एक करूँगी फिर से नौ फंदे बनाऊंगी नौ फंदे हमारे बन गए हैं अब फिर से फ्रंट साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाऊंगी इस फंदे को पलट लूंगी बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाऊंगी फिर से नौ फंदे बनाऊंगी ऐसे ही पूरी रो को मैं कंप्लीट कर दूंगी दोनों साइडों से दो दो फंदे घटेंगे ये देखिए ऐसे ये लाइनें बन के आ जाएंगी हमारी पता चल जाएगा ये चेन बन रही है ये इधर से एक और एक इधर से दो साइड से हमारे फंदे ये घटते जाएंगे ये देखिए दो चार छः आठ नौ फंदे हमारे हो गए हैं अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर इसको ऐसे पलट लेंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर से नौ फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब फ्रंट साइड से दो का एक इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे बैक साइड से दो का एक अब हमारे लास्ट में चार फंदे बचे हैं एक दो तीन चार उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे हर सीधी रो को ऐसे ही हम फंदे घटाते जाएंगे उल्टी सिलाई में हम कुछ नहीं करेंगे इसको उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट करेंगे जी देखिए ऐसे हमारे फंदे घटते जाएंगे जो हमने पार्टीशन किए हैं ये हमें दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं ये देखिए सारे पार्टीशन ऐसे हमारी चेन सी बन के आ जाएगी अलग सी इसका हमें पता चल जाएगा ये देखिए यहाँ पे हमारे घटने हैं फंदे इसलिए ये देखिए ऐसे ही हम फंदे घटाते जाएंगे जब हमारे सारे फंदे दोनों साइडों से घट करके यहाँ पे दो फंदे रह जाएंगे यानी कि दोनों साइडों का एक एक फंदा रह जाएगा तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है ये देखिए अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं एक फंदा सीधा यहाँ पे फ्रंट साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे और इसको पलट लेंगे दो फंदों का बैक साइड से एक बनाएंगे और एक फंदा सीधा बच गया अब हमारा यहाँ पे फिर से दो फंदों का एक फ्रंट साइड से इस फंदे को पलट लेंगे बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर से फ्रंट साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे बैक साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा यहाँ से फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रंट साइड से फंदे को पलट लेंगे बैक साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा यहाँ से फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रंट साइड से और लास्ट में एक ही फंदा हमारा बचा है इसको भी हम बैक साइड से दो का एक बना देंगे अब देखिए ये जो हमने पार्टीशन किए हैं ये वाले दो फंदे वो हैं पार्टीशन वाले ये सारे दो दो फंदे चेन वाले आ रहे हैं और इसके बीच में एक एक फंदा हमारा ये बच गया है एक ये एक ये एक ये एक ये, एक ये और एक साइड में ये एक एक फंदा हमारा बीच में बच गया है अब हम उल्टी सिलाई को उल्टी बना लेंगे ये देखिए जो हमारा एक एक फंदा बचा है इसको भी हम एक एक साइड से घटा करके सारे फंदे ख़त्म कर देंगे पहला फंदा ये देखिए फ्रंट साइड से हम दो का एक कर देंगे इस फंदे को ऐसे ही पलट के यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा कर देंगे ये दो फंदे सीधे बना लेंगे ये देखिए यहाँ पे फिर से फ्रंट साइड से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे यहाँ पे फिर से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे दो फंदे सीधे और यहाँ पे फ्रंट साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा ये देखिए हमारे जितने पार्टीशन हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं देखिए एक जगह पे ये देखिए एक ये लाइन है हमारी चेन की और एक ये लाइन है एक ये लाइन है एक ये और ये सारी लाइनें एक जगह पे हमारी इकट्ठी हो गई हैं ये देखिए ये देखिए ये वाले सारे फंदे अब मैं निकाल लूँगी सिलाई में से इन सारे फंदे फंदों को सुई में डाल लूँगी ऐसे ये देखिए ये हमारे सारे फंदे सुई में डल गए हैं अब इसको इस धागे में हम ऐसे ले लेंगे एक बार फिर से इन्हीं फंदों को सुई में मैं डाल लूँगी ये देखिए एक बार फिर से डाल लूँगी डबल धागा हो जाएगा हमारा टूटेगा नहीं ये देखिए डबल बार हमने सुई में धागा डाल करके इनको ऐसे खींच दिया है ये देखिए ये ऐसे कैप बंद हो गई है हमारी ये देखिए अब इसको यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे देखिए हमारी कैप बन गई है इसको अब हम ऐसे यहाँ से सिल देंगे नीचे तक यहाँ से सिलने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है ये देखिए हमारी कैप सिल करके तैयार हो गई है यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है इसकी ये देखिए अब हम इसके ऊपर पम लगाएंगे जे देखिए अब हम इसके लिए पमप बनाएंगे कम से कम इसको सौ बार लपेटेंगे ये देखिए इसको हाथ के ऊपर से उतार लेंगे फिर इसको हम ऐसे सेंटर में से कस के लपेट लेंगे ऐसे सुई में धागा डाल करके इसको अच्छे से नोट लगा देंगे ऐसे इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये खुल ना पाए अब इस धागे को हमने बीच में से ऐसे कट कर देना है ये देखिए इसको हमने बीच में से कट करना है ऐसे ये सारे धागे हमने बीच में से कट कर देने हैं अब इसको हम फिनिशिंग देंगे ऐसे जो भी हमारे धागे आगे पीछे नजर आए उनको बराबर कर देंगे हम ऐसे थोड़े थोड़े और छोटे कर दीजिए इनको ये देखिए हमारा पम्प पम्प बन के तैयार हो गया है ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है ये देखिए यहाँ पे हमने कैप को बंद किया था इसके सेंटर में यहाँ पे इसको लगा देंगे हम ऐसे इसको अच्छे से सुई के साथ इसके साथ लगा देंगे दो चार बार सुई निकाल के इसको अच्छे से टच कर देंगे इसके साथ ऐसे सिल देंगे ये देखिए हमारा पम्पम लग गया है कैप के ऊपर ये देखिए अब आगे मैं इसकी स्ट्रिप बनाऊंगी यहाँ ये देखिए यहाँ पे अब हम स्ट्रिप बनाएंगे बांधने के लिए यहाँ से मैं तीन फंदे उठा लूँगी एक दो और ये तीन ये तीन फंदे मैंने उठा लिए ये ये वाला कोना है जो इसका अब इनको मैं सीधा सीधा बनाऊंगी अब देखिए मैं सिलाई को ऐसे नहीं घुमाऊंगी ऐसे ही रखूँगी ये मैंने दोनों साइड से तीखी सिलाई ली है ये देखिए ऐसी सिलाई लूँगी मैं अब मैं इस सिलाई को पलटूँगी नहीं इसको ऐसे कर लूँगी ये देखिए अब फिर से इसको सीधा बनाऊँगी सीधा सीधा बनाते जाना है हमने अब फिर से मैं इसको ऐसे दबा दूंगी इसको हम सिलाई को दूसरी साइड को पलटेंगे नहीं इसीलिए हमने दोनों साइड से तीखी सिलाई ली है यहाँ से ही बनाते जाएंगे हम सीधा सीधा ऐसे फिर से हम इसको ऐसे दबा देंगे ऐसे ही सीधा सीधा बनाते जाना है और इस सिलाई को ऐसे घुमाना नहीं है ऐसे ही दबा करके एक ही साइड से ऐसे ही रख के बनाते जाना है ऐसे सीधा सीधा बनाना है हमने ऐसे फिर से इसको हम ऐसे दबा देंगे फिर से सीधा बनाएंगे फिर से इसको हम ऐसे दबा देंगे फिर से सीधा बनाएंगे ये देखिए ऐसे जो स्ट्रिप हमारी बनेगी वो राउंड बनेगी सारी साइड से राउंड बन के आएगी ऐसे गोल गोल ये देखिए बहुत ही सुंदर लगती है फिर से इसको हम ऐसे दबा देंगे ऐसे ही सिलाई को दबाते जाएंगे और सीधा सीधा बनाते जाएंगे इसको घुमाएंगे नहीं सिलाई को दूसरी साइड को इसको यहीं से ऐसे ही दबा करके ऐसे एक ही साइड से ऐसे ही बनाना है और इसको सीधा सीधा बनाते जाना है ये देखिए हमारी इतनी बड़ी हो गई है ये स्ट्रिप इस हमें इसकी लेंथ साढ़े छः इंच चाहिए ये देखिए जब ऐसे हमारी स्ट्रिप जो बन कर के साढ़े छः इंच की हो जाए तो उसके बाद आगे इसको बंद कर देना है साढ़े छः इंच में कर लूँगी उसके बाद फिर मैं आगे, आगे आपको बताती हूँ क्या करना है ये देखिए साढ़े छः इंच स्ट्रिप मेरी बन के तैयार हो गई है ये देखिए इतनी स्ट्रिप काफ़ी है मेरी कैप के लिए अब मैं इन फंदों को बंद कर दूँगी ये देखिए तीन फंदों में से एक फंदा बना करके ऐसे इसको अब हम बंद कर देंगे अब एक में से भी ऐसे निकाल करके ये देखिए इसको अब हम ऐसे बंद कर देंगे ये देखिए ये देखिए अब इसको हम पम्पम लगाएंगे यहाँ पे ये देखिए अब हम इस धागे को सुई में डाल लेंगे इस धागे को सुई में डाल लेंगे अब हम इसको पम, -पम लगाएंगे अच्छे से इसको ऐसे नोट कर देंगे दो चार बार सुई को निकाल के इधर से उधर और इसको हम स्टिप के साथ अच्छे से पक्का कर देंगे ऐसे अब इसको हम नोट लगा देंगे यहाँ पे अब इस धागे को हम काट देंगे ये देखिए हमारा पम्पम लग गया है स्ट्रिप हमारी बनके तैयार हो गई है ये देखिए एक स्टिप मैंने आपको बना के बता दी है दूसरी भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जब वो बन जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ही यहाँ से ये यह देखिए यहाँ से तीन फंदे उठाने हैं ये देखिए जैसे हमने पहले स्टार्ट की थी यहाँ से इस कॉर्नर से हमने तीन फंदे उठाने हैं ये तीन फंदे उठा करके ये देखिए तीन फंदे हमने उठा लिए हैं यहां से हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे सीधा सीधा ये देखिए ये सीधे फंदे बना लिए हमने बस यही ध्यान रखना है कि दोनों साइडों से तिखी सिलाई हमने लेनी है सिलाई को घुमाना नहीं है दूसरी साइड को इसको यहीं पे रखना है ऐसे ही सिलाई को पीछे की तरफ धकेल करके ऐसे ही धकेल करके बनाएंगे ये देखिए ऐसे धकेल देंगे यहाँ से ऐसे पीछे को कर देंगे उसको ऐसे सीधा सीधा बनाते जाना है तो हमारी बहुत सुंदर गोल गोल सी स्ट्रिप बन के आती है ऐसे ही बनाते जाना है इसको भी मैं साढ़े छः इंच की लंबाई इसकी बना लूँगी उसके बाद पम्पम लगाऊँगी पम्पम लगाने के बाद मेरी ये कैप कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं बताती हूँ आपको इसको कंप्लीट करने के बाद कैसी बन के आ गई है हमारी कैप ऐसे बनाते जाइएगा करके तैयार हो गई है दूसरी स्टिप मैंने बना ली है उसको भी पम पम लगा लिया है ये देखिए ये मेरी दोनों स्टिप हो गई हैं और ये मेरी कैप बन करके रेडी हो गई है बिल्कुल ये देखिए ऐसे बन करके आ जाएगी ये हमारी कैप बहुत ही सुंदर लगती है ये देखिए कितनी प्यारी बन के आई है के साथ बच्चे के ईयर जो है कान भी बिल्कुल के रहते हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये ये कानों की साइड में आएगा ये वाला हिस्सा ये उसका बैक है और ये इसका फ्रंट है ऐसे बन के आई है ये हमारी कैप इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है उम्मीद करती हूँ कि ये कैप बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो अगर ये मेरा कैप बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा इसी तरह नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय